पहले शिकायतकर्ता को कितने आए हैं? 12 कहाँ बाहर हैं? उनके बैठने की व्यवस्था है नहीं? तो अगर बाहर बैठने की व्यवस्था है जितने की बाहर बैठेंगे, नहीं तो अंदर भेज दीजिए। जितनी कुर्सी है उधर से 6 लोगों को भेज दीजिए। जी बताइए सर। ये राशन कार्ड के लिए मैं आवेदन दिया था ऑनलाइन में, तो मेरा सर आज से 2 साल पहले मेरा वाइट कार्ड बना हुआ था जो मैंने डिलीट कराया, तो उसमें मेरा नाम डिलीट नहीं हुआ है और सब ही का नाम डिलीट हो गया और अभी तक मैंने किसी से राशन नहीं लिया अभी तक। बताइए DSO उसी को ऊपर कर लीजिए आप जी, माइक को ऊपर कर लीजिए, माइक को स्टे, ये आपका राशन कार्ड नहीं बना है? 2 साल पहले सप्लाई किया हुआ था, ये मेरा वाइट कार्ड बना हुआ था। अच्छा, अब आपने वाइट कार्ड को डिलीट करके अपना कार्ड के लिए अप्लाई किया है? अच्छा, कब अप्लाई किया हुआ था? ये मैम सर, हम ये 10 दिन पहले अप्लाई किए थे। 10 दिन पहले अप्लाई किए थे। अच्छा, उसमें सर कि मेरा नाम वो डिलीट नहीं हुआ, वो नई नाम नहीं चल पाया। अच्छा, तो बाकी परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से आपने उसको ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है? सर अभी ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में, चूँकि अभी हम लोग के सिस्टम में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रियाओं को विभाग के द्वारा थोड़ा सख्त कर दिया गया है, और इस वजह से अभी जो लाइन लगी हुई है हमारे पोर्टल पे लाइन लगी हुई है, अभी इन लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो निश्चित रूप से BSO के लॉगिन में चला गया है, BSO के लॉगिन के बाद में हमारे लॉगिन में आ जाएगा और आने के बाद में इनका राशन कार्ड बनेगा। और अभी राशन कार्ड पहले हम लोग जितना तेज़ी से बना पा रहे थे उसमें थोड़ी रुकावटें हैं सॉफ्टवेयर की वजह से। अभी अगर कोई इमिडिएटली कोई राशन कार्ड अप्लाई के लिए अप्लाई करता है तो लाइन में चला जाता है, लाइन में जाने के बाद में हमारे लॉगिन में आने के बाद में भी उसको हम लोग को पंचायत स्तरीय या नगर निगम के क्षेत्र में तो इस स्तर से ग्राम सभा से पारित कराने की अनिवार्यता है, और एक बार में जब हम लोग कोई चीज़ को हम लोग अपने कंप्यूटर में देखना चाहेंगे तो मात्र 20 ही लोगों को देख पाते हैं, और उसमें भी किसी पंचायत खास का हम नहीं देख पाएंगे, पूरे रांची ज़िले का ओवरऑल 20 तो हमको दिखाई देगा, उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है उसके बाद ही हम आगे लोगों को देख सकते हैं। तो इसी वजह से, और चूँकि इसके संबंध में हम लोगों ने जिला स्तर से भी DC सर के माध्यम से भी कुछ विभाग को लिखा था कि कुछ इसमें कुछ रिलैक्सेशन किया जाए या उसको कुछ रास्ते निकाले जाएँ ताकि हम लोग ज़रूरतमंद लोगों का जल्दी से राशन कार्ड बना पाएंगे, और इस विषय में विभाग की ओर से भी हम लोग को सूचना है कि वो लोग सॉफ्टवेयर में कुछ इस तरह से उसमें कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और या डिज़ाइन कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग का राशन कार्ड जो बनाने का जो मामला है अभी पिछले सितंबर महीना से बिल्कुल ही नहीं के बराबर हो पा रहा है, उसमें तेज़ी लाई जा सकेगी। लेकिन इनका कहना है कि वाइट कार्ड से नाम डिलीट नहीं हो पा रहा। तो ये डिलीट करने में क्या प्रॉब्लम है? ऑनलाइन डिलीट करने के लिए आपको ऑनलाइन ही डिलीशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा डिलीशन के लिए तो हमारे लॉगिन से उसको अप्रूव कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। आपने किया था ऐसा? हाँ,
वही क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हम लोग का करीब करीब सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम से ही किया जाना है, इसलिए आपका वो नहीं हो पाया, आप ही को करना पड़ेगा और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर हमको मिल जाएगा, फिर हम अप्रूव कर देंगे और वो डिलीटेड दिखाई देगा। दूसरा जी बताइए, जिन जा सकते हैं। सर मैंने राशन कार्ड के लिए कोरोना के समय भी अप्लाई किया था एक बार, लेकिन वो नहीं आ पाया था, राशन कार्ड नहीं बना उस समय, तो भी मैंने फ्रेश ये दिया था बनने के लिए, लेकिन अभी भी सर नहीं बना है। ऑनलाइन अप्लाई किए थे? हाँ मैम। उसको उसको ऑफ कर दीजिए इसको। कब आपने किया था? कोविड के समय, मतलब 2020 के लगभग में। हाँ, और अभी किस स्टेज में है? नहीं नहीं, आपको आपको दिखाई देगा, आपके मोबाइल में मैसेज आता होगा कि BSO लॉगिन में पेंडिंग है, DSO लॉगिन में पेंडिंग है, वो दिखाई देता होगा, आप जान सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है? नहीं देखा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, तो लेकिन ये तो इतने दिनों में कोविड के बाद में, मैं तो राशि आने के बाद में हजारों हजार की संख्या में राशन कार्ड हम लोग हमने अप्रूव किया था, लेकिन आपका कैसे नहीं रह गया, तो इस बार कोई बात नहीं, इनका आवेदन ले लीजिए और देखकर इनका क्या स्थिति है इनको अवगत करा दीजिएगा, या आप अपना आवेदन दे दीजिए। आइए अगले आप हैं जी, बताइए। ऑनलाइन अप्लाई किया सबका राशन कार्ड का मामला है जी, ठीक है, तो जिनके राशन कार्ड से संबंधित विषय है वो अपना आवेदन दे दीजिए, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया कहाँ है, किस स्तर पर है, वो DSO साहब देखकर आप लोगों को बता देंगे। राशन कार्ड के लिए जो अप्लाई किया है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर चाहिए, आप तो आधार दे रहे हैं, आधार एक्नॉलेजमेंट नंबर जब आपने अप्लाई किया होगा ना, तो आपको एक रसीद दिया होगा, उसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर ID नंबर, उसी से हम आपको पहचान लेंगे। जिनका जिनका आवेदन है हमको दे देंगे ऑफिस में, अभी भी तुरंत हम लोग वेरीफाई करके देख सकते हैं उसको। ये जितने राशन कार्ड से संबंधित है DSO साहब को दे दोगे, वो देख के जो जी, और शिकायतकर्ता जो हैं वो आगे आ जाइए। मिलता है पूरा 20 किलो, पर हमको इसमें 3 बच्चा का नाम ऐड कराना था। कितने उम्र के बच्चे हैं सर? एक 6 साल का है, एक 3 साल का, एक 2 साल का है। 6 साल के बच्चे का तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन 3 साल और 2 साल के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत में ऐसा प्रोविजन है कि शिशुओं को 5 साल के बाद ही उसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आएगा। ऑनलाइन करना जी सर, ऐसा ही प्रोविजन है। नहीं ठीक है, जो प्रोविजन है वो नियम से ही चलेगा जी। जी आप कॉल उनका ऑफ कर दो जी, आप बताइए। मेरा सर बच्चा के इलाज के लिए राशन कार्ड ने नाम चढ़वाना है सर। अच्छा, आयुष्मान बनाने के लिए? हाँ सब थोड़ा सा दिक्कत नहीं है हम सर, बहुत परेशानी है। DSO साहब ये हाँ सब बता, इनका ऑफ कर दीजिए, अनिल इनका ऑफ कर दो। हाँ सर, ये इनका विशेष प्रोविजन है ना गंभीर बीमारियों के लिए, इसके लिए प्रायोरिटी है ना कि राशन कार्ड बनाने में कुछ प्रायोरिटी दी जाएगी विभाग के द्वारा? राशन कार्ड इस तरह के मामले में प्रायोरिटी है सर, और इसको हम लोग अपने स्तर से इसको ये तो ग्रीन कार्ड से भी तो आयुष्मान बनता है ना, सभी कार्ड से आयुष्मान बनता है, तो ग्रीन कार्ड में तो वैकेंसी होगी, ग्रीन कार्ड तो लगभग हर जिले में वैकेंसी है, आपके जिले में भी होगा? जबरदस्त वैकेंसी है सर। तो बना दीजिए फिर, इनका इनको लाभ मिल जाए, अगर इनका स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो इनको प्रायोरिटी दे के इनका बनवा दीजिए सर। इसी में हम लोग थोड़ा सा लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं सर, विभाग ने जो अप्रूवल के लिए जो जो सिस्टम को इस तरह से किया गया है कि
नहीं किया जा सक रहा है। 20 हम लोग को दिखाई देगा, उसमें से इनका सीरियल अगर अभी इन्होंने अप्लाई किया होगा तो चूँकि 62,000 लोग तो इनका जो आवेदन है उसके साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट, मतलब बच्चा बीमार है, कितने साल का बच्चा है? 6 साल का बच्चा, तो उसका तो हो जाना चाहिए। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है? 6 साल ऑनलाइन अप्लाई किया है, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ में और मेडिकल जितने भी मेडिकल रिपोर्ट साहब जो कर, सर, वो सुन लीजिए और जो कह रहे हैं करने के लिए वो कर सहयोग करेंगे। मेडिकल रिपोर्ट के साथ में आप हमारे कार्यालय में दे दीजिएगा, हम लोग स्पेशली इसको हम लोग भेजते हैं। विभाग में भी प्रोविजन तो किया हुआ है कि हम लोग अप्रूव करेंगे यहाँ पे, तो अप्रूव करेंगे तो आपका जो उसी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार हम लोग का जो लंबी सूची है उसमें आप ऊपर चले जाएंगे, मतलब पहले दूसरे तीसरे उसमें आ जाएंगे। लेकिन सर यही कठिनाई है कि हम वही चीज़ करने के लिए हमको 20 ठों में से उतने गोता लगा के हमको भिजवाना। इसमें क्या गंभीर बीमारियों के लिए भी वो 20 का जो राइडर है वो अभी एग्जिस्टिंग स्थिति में तो गंभीर बीमारी के लिए उसके लिए कुछ एडिशनल प्रोविजन नहीं है? इस राइडर को लोग रेक्टिफाई नहीं किए हैं सर, और इसको रेक्टिफाई करने की बात थी भी, हो भी रही होगी, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। नहीं, इनका देख लीजिए, वैसे विभाग को लिखना चाहिए इस पे। देखिए अभी वो जो प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं उसके लिए तो हम लोग विभाग से पत्राचार करेंगे, लेकिन इनका जो भी अगर ह्यूमन ग्राउंड पर इनका जो भी मदद हो सकती है वो आप DSO के यहाँ चले जाइएगा, जो संभव होगा वो आप कर दीजिएगा, नहीं होगा तो आप स्पेशल आयोग के निर्देश पर आप एक चिट्ठी आयोग को भेज दीजिए, जो चिट्ठी हम विभाग को भेज देंगे कि आयोग के निर्देश पर हमने ये किया लेकिन हमारी ये रिस्ट्रिक्शंस है इसलिए हम इनकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो हम विभाग को लिखकर कोई स्पेशल अगर प्रोविजन हो सकता है तो किया जाए। जी सर, ठीक है, आप DSO साहब से मिल लीजिएगा। बोलने की इजाज़त है? हाँ हाँ बोलिए। मेरा बच्चा कल यहाँ से यहाँ तक कैंसर हो गया, बहुत परेशानी है सर। नहीं नहीं, आपसे पूरी सहानुभूति है, मैंने यही कहा कि आपके लिए जो संभव होगा ये सहयोग करेंगे, इनसे नहीं हो पाएगा ये हमको लिखेंगे, हम विभाग को लिखेंगे, कोई भी हम पूरी सहानुभूति है, हम तो कह रहे हैं ना कि, लेकिन आप भी ये समझते हैं कि सरकार और प्रशासन नियम और प्रक्रिया से चलता है, सरकार और प्रशासन ये मान भी लेगा कि आपको सहयोग की आवश्यकता है, तो आप अगर ऐसी है तो इस गंभीर बीमारियों के लिए अलग कोई प्रावधान भी है, मुख्यमंत्री राहत कोष भी है, तमाम तरह के और प्रक्रियाएँ हैं तो उसका भी आप पालन कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड के लिए जो निर्धारित मापदंड है वो तो प्रक्रिया पूरी करनी होगी ना, तो वो तो हम आपको कह रहे हैं कि DSO साहब मदद करेंगे, इनसे नहीं हो पाएगा वो आयोग को लिखेंगे, आयोग अपने स्तर से पत्राचार करेगा, आपको मदद करने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन नियम और प्रक्रिया के तहत ही संभव है ना। ठीक है, आप DSO साहब से मिल लीजिएगा कार्यक्रम के बाद, इनका नंबर ले लीजिएगा, इनसे मिल के जो भी संभव होगा मदद ये करेंगे। ठीक, धन्यवाद। एप्लीकेशन लेकर के तो हम लोग, हाँ अच्छा, तो कुछ कारण है क्या बताया गया है? कुछ कारण बताया गया होगा सर, लेकिन आप एक बार आइए हमसे, हमसे मिलिएगा, हमसे आप नहीं मिले। सदर में गए तो क्या हुआ? जो पेपर लेके आए हैं वो पेपर नहीं चलेगा, जो वहाँ का पेपर हम लोग पूरा सहयोग से बनाया गया है वो पेपर नहीं बोल रहा है कि नहीं चलेगा। वो BPL अभी बंद हो गया है यही बोल रहा था। आप ऐसा कीजिए ना, आप अभी बैठ जाइए बाहर, ये जन सुनवाई खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद DSO साहब और सिविल सर्जन साहब के यहाँ से क्या मदद हो सकता है आपको बैठकर, ये लोग अपना फ़ोन नंबर दे देंगे, आपकी क्या मदद की जा सकती है वो बता देंगे, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, कार्यक्रम ये जन सुनवाई खत्म हो जाएगी, फिर आपसे दोनों मिल लेंगे, जो सहयोग संभव होगा वो किया जाएगा। ठीक, वैसे तो मेरी मम्मी का राशन कार्ड है लेकिन मम्मी नहीं आ सकती थी तो हम आए, तो मेरे पापा का नाम है जो उसको ऐड करवाना है, क्योंकि मेरे पापा का हेल्थ कार्ड नहीं है और हम लोग फैमिली मेम्बर में सबका है, तो बस हमको वही है कि मेरे पापा का भी हेल्थ कार्ड बन जाए। तो
पापा का नाम क्यों नहीं जुड़ा हुआ था पहले? जब स्टार्टेड में था तो फिर सिर्फ चार नाम ही ऐड करना था, तो उस टाइम चार नाम ही ऐड हो पाया जिसमें पापा का नहीं हो पाया। तो इसमें ऐसे हम लोग छह मेंबर है, तो मेरी दीदी का शादी हो चुका है लेकिन एक पापा का है जो नंबर ऐड नाम ऐड नहीं है, तो बस वही। शादी हो चुका है, दीदी का नाम कटा है कि नहीं? नहीं नहीं कटा तो नहीं है, वो तो कटवाना होगा ना वो। हाँ तो वो भी कटवाना है, उसके जगह पे ना मेरे पापा का नाम ऐड करवाना है। बेटा ऐसा नहीं होता है कि किसी के जगह किसी का ऐड हो जाए, ऐड होने के लिए वैकेंसी होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, वो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद DSO साहब ने जो बताया कि वैकेंसी होती है, जो पहले अप्लाई करता है या वैकेंसी रहती है तो बनता है, अप्लाई कर दो, प्रक्रिया में जब आएगा तो बन जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, तो बस हम वही चाहते थे कि मेरे पापा का भी हेल्थ कार्ड बन जाए। बेटा ऐसा है, हेल्थ कार्ड तब बनेगा जब पहले राशन कार्ड में नाम जुड़ेगा। नाम जुड़ने की एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि वो आप ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। किसी की जगह आपके बहन का हटेगा तो आपके पिताजी का जुड़ जाएगा, ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पिताजी से ज़्यादा जरूरी कोई लाइन में होगा तो पहले उसका बनेगा। नहीं तो मतलब जैसे मेरी दी का शादी हो चुका है तो उसका नाम हम हटा देंगे, लेकिन ऐसे बेटा मैंने क्या कहा, ये प्रावधान नहीं है कि आपके कार्ड से एक का हटे तो दूसरे का जुड़ जाए। किसका जुड़ेगा ये विभाग प्राथमिकता तय करेगा। आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, जब आप डिलीट करने के लिए भी अप्लाई कर दीजिए, आप जोड़ने के लिए भी अप्लाई कर दीजिए, ठीक। और जब आपकी बारी आएगी तो आपके पिताजी का नाम जुड़ जाएगा। और रही बात की अगर आयुष्मान कार्ड के लिए ही पिताजी का नाम जुड़वाना चाह रही हो तो उसका विकल्प ये है कि तुम उस कार्ड में नाम जुड़वाने की जगह तुम पिताजी का ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर लो। ये संभव है ना DSO साहब? उस परिवार में एक ऑलरेडी कार्ड है, फिर दोबारा ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे और फिर ग्रीन कार्ड में चूंकि सिंगल रहेगा और ये लोग कभी उठाएंगे नहीं राशन, और फिर वो कार्ड यूं ही बना हुआ रहेगा और फिर हम लोग अनावश्यक उसको ढोते रहेंगे। अभी इस महीने के अंदर अंदर में विभाग में कुछ काम चल रहे हैं, जितने भी हम लोग पीला कार्ड वगैरह समय या गुलाबी कार्ड में लोगों को नहीं जोड़ पा रहे थे, इन सारी समस्याओं का निदान आने वाला है। उसके बाद हम लोग के पास में वैकेंसी भी पर्याप्त है और फिर धड़धड़ा से के मतलब लोग जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करने की बात है, अंतिम चरण में हम लोग का वहाँ पे सॉफ्टवेयर में जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है उसमें। फिलहाल तो तुम ऑनलाइन अप्लाई कर दो, उसके बाद जो प्रक्रिया में बदलाव आएगा, प्रक्रिया बदली जाएंगी या इस प्रक्रिया में गुंजाइश होगी तो बनाएंगे, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। सर मेरी बहन का बना हुआ है, मतलब अप्लाई किया हुआ है, 7-8 महीना हो गया, अभी तक नहीं आया है राशन कार्ड। अपना डिटेल दे दीजिए, DSO साहब देख के बता देंगे कि कहाँ दिक्कत है, कब तक बनेगा, क्या दिक्कत है। वो आप अप्लाई किए होंगे, जो भी आपके पास कागज है डिटेल है वो DSO साहब को दे दीजिएगा। जी सर हमको हेल्थ वाला चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस। आयुष्मान कार्ड चाहिए? हाँ आयुष्मान कार्ड चाहिए। उसके लिए तो राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा कि और राशन कार्ड के अलावा भी कोई दस्तावेज चलता है? राशन कार्ड आपका है? हाँ है सर। राशन कार्ड आपका है, सिविल सर्जन के ऑफिस में चले जाइएगा, 2 मिनट में आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। ठीक है सर, आज आइएगा तो आज भी बन जाएगा। ठीक है सर। और हैं? जी सर। जी मेरा बेटा का आधार अथी राशन कार्ड में जुड़वाना है। 11 साल का है। अप्लाई कर दिए आपने? अप्लाई तो नहीं किए हैं सर। अप्लाई करके छोड़ दीजिए, बाकी काम मेरा है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद DSO साहब देख लेंगे, जो प्रक्रिया होगी पूरी करके कर देंगे। ठीक है। सर मेरा पीला कार्ड है
और 28 किलो चावल और 7 किलो गेहूँ मिलता है सर। मेरा नाम विजय राम पासवान है। 28 किलो और 7 किलो? जी जी, मैंने पीला कार्ड पर 35 किलो मिलता है सर। तो 28 किलो चावल और 7 किलो गेहूँ मिलता है जी। क्या दिक्कत है, इतना ही 35 किलो का ही प्रावधान है? जी जी, आपकी शिकायत क्या? कोई शिकायत नहीं है सर। तो क्यों समय आप अपना इतना मेहनत सीढ़ी चढ़ के आए, कोई शिकायत ही नहीं है तो फिर क्यों आए? आपकी कोई दिक्कत है आपको? जी 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 ना, दिक्कत नहीं है तो दिक्कत के निपटारे के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। आपको दिक्कत नहीं तो खुशी की बात है, आप अपना अनाज उठाइए। सर हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को बोला गया कि यहाँ आना है, इसलिए हम लोग आ गए। किसने बोला? डीलर ने? हाँ, कि वहाँ पे जाना है, जाके मेरा गुणगान करना है। नहीं, गुणगान के लिए नहीं बोला गया था। हाँ, सर, लेकिन हम फिर ये तो गुणगान ही है। चलिए, समझ में आ गया हमको, ठीक है, जाइए। सर हमारा राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। किए हैं? अप्लाई किया हुआ है सर। कब अप्लाई किए हैं? सर अगला मंथ ही किया हुआ है। तो जब अप्लाई किए हैं तो कोई एक्नॉलेजमेंट होगा, रसीद होगी, कोई दस्तावेज होगा ना आपके पास? सर वो नहीं मिला है। नहीं मिला है? किसी ऑनलाइन में नहीं मिलता? सुनिए, जब आप प्रज्ञा केंद्र में ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो फीस दे के आप करते हैं अप्लाई, और उसके एवज में अप्लाई करने के बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देता है। उसमें प्रज्ञा केंद्र वाले ने क्या क्या लिखा, क्या नहीं किया, सही लिखा, गलत लिखा, उसका एक कागज़ देता है, और वही उसी से हम लोग पहचानते हैं उस नंबर से कि फलाने ने अप्लाई किया है। सर वैसे वो है, मतलब आलू खरीदने के लिए जाइएगा, उसके बाद पैसा दे दीजिएगा, आलू बिना लेके चले आइएगा। प्रज्ञा केंद्र में हम लोग करते हैं, पैसा दे के अप्लाई कराते हैं, और आपको एक रसीद देगा, और उसी रसीद से आपकी आपको हम लोग खोज निकाल लेंगे, या आप कहीं भी देखना चाहेंगे तो उसे आप अपने आप को ढूंढ सकते हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में। ले लीजिए पहले। अब क्या विकल्प है इनके पास? ये आधार नंबर लेके हमारे कार्यालय में आ जाएंगे, उस आधार नंबर से हम लोग ट्रेस कर लेंगे कि इनका एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है। आप इनको अपना आधार नंबर दे दीजिएगा। सर मेरा और पति का केवल मिलता था राशन, तो मेरा पति ना मर गया, तो तीन जन बच्चा सब हैं, तो ये बाल बच्चा को कैसे पालेंगे, यही हम पूछना चाह रहे हैं। रामदाई काम करते हैं। आप क्या चाहती क्या हैं? वही बच्चा लोग का नाम जुड़वाने चाहिए। कितने साल का बच्चा है? बच्चा लोग है अभी 20 साल हो रहा है, 18 साल हो रहा है, 16 साल हो रहा है। तो उन अप्लाई किए हैं नाम जोड़ने के लिए? नाम जोड़ने के लिए अप्लाई किए, ऑनलाइन करवाने गए थे ना, तो वहाँ बोल रहा है कि लोडिंग बता रहा है बच्चा लोग का नाम। क्या बता रहा है? वहाँ ऑनलाइन कराने जाते हैं ना, तो लोडिंग बता रहा है। ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी कहीं पे है उनका आधार? अच्छा, ऑलरेडी है जी। तो वो चेक करवा लीजिए अगर कहीं। मैडम अपने दोनों बच्चे का आधार लेके ऑफिस में दे दीजिएगा, हम लोग बता देंगे कि उन बच्चों का आधार किस के साथ में जुड़ा हुआ है, और वहाँ से हटाने के बाद में ही आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगी तो फिर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, तब होगा। अब पहला वो काम करवा लीजिए दोनों का आधार के साथ में, उसके बाद अप्लाई करेंगे, हो जाएगा। तीनों बच्चा का होगा ना? तीनों बच्चा का ही होगा। हाँ। आप लोग जब अपना परिवार के लिए अप्लाई कर रहे थे तो बच्चे लोग को छोड़ क्यों दिए थे? ये पता नहीं, दिया था दूसरा लोग तो कैसे छूटा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक कर लीजिए। अब बच्चों का आधार कार्ड इनको दे दीजिएगा, ये पहले देख लेंगे ये कहां जुड़ा हुआ है। हाँ। उसके बाद जो करना होगा ये कर लेंगे। ठीक सर, हम लोग को 2 महीना से राशन नहीं दिया है, अगस्त और सितंबर का। अनगढ़ा प्रखंड, ग्राम लुपुंग,
पंचायत लुपुंग। नहीं, ये डीलर कौन है? हम शिवशंकर केसरी। दो महीना मैंने कर्मा बीत गया। नहीं दिया है या बहुत लाभुकों को नहीं? हमको नहीं, पूरे को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। अपना जितना है उसका कर्जदारी कोई किसी को नहीं। किस महीने का? अगस्त और सितंबर। सब देखिए, जांच कीजिए और इन सब लाभुकों को अनाज मिल जाए, इसका प्रमाण आयोग को उपलब्ध कराइए कि दे दिया गया है, और उस डीलर पर क्या कार्रवाई की गई है वो भी आयोग को बताइए, ठीक है। और ये बड़ी हम विनम्रता से कह रहे हैं कि डीलर पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम आप लोगों पे कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में मेरी जिम्मेवारी है कि हम लाभुकों को अनाज पहुंचाएं। क्यों नहीं मिल रहा है, किस परिस्थिति में नहीं मिल रहा है, ये मेरा विषय नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग कोई लिखित शिकायत लाए हैं? लिखित शिकायत नहीं लाए। कोई बात नहीं, ये इनका डिटेल नोट कर लिए हैं। ये देखिए, जो डीलर है वहाँ पर सब उसका डीलर का पूरा स्टॉक चेक कीजिए, सारे लाभुकों का चेक कीजिए कि नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, ठीक है। धन्यवाद सर। मैं हजारीबाग जिला का निवासी हूँ, रांची में वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राशन लेना चाहता हूँ, लेकिन पिछला मई अप्रैल 2022 से मैं परेशान हूँ। मैंने DSO कार्यालय में भी आवेदन दिया, मैंने फूड सेक्रेटरी के यहाँ भी आवेदन दिया, मैंने आयोग में भी आवेदन दिया, लेकिन अभी तक मेरे मतलब जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसमें आवेदन देने की क्या आवश्यकता है? तो सर मतलब हमको डीलर राशन दे ही नहीं रहा है, सीधा कहता है कि आप कार्ड ट्रांसफर करवाइए हजारीबाग जिले से रांची जिले में, तभी आपको हम राशन देंगे। तो आपका ऑनलाइन सीडिंग है, कार्ड का ऑनलाइन सीडेड है? हाँ सर, मतलब आधार से, आधार से जुड़ा हुआ है सर। तो आधार कैसे हो रहा है सर? इनको अप्लाई करने की आवश्यकता क्या है सर? दो ये सर, ये लेटेस्ट मतलब एक हमारा, आपको एक बार भी रांची जिला में राशन नहीं मिला? नहीं, राशन मिला है सर। आप एक बार मेरे पास आए थे? नहीं सर, आपके पास हम तीन बार आए हैं सर। और फिर हमने बोला कि आप जाके डीलर से राशन ले लीजिए। सर आपने मेरे राशन कार्ड में रिकमेंड भी किया कि भाई डीलर इनको राशन उपलब्ध करे, फिर भी डीलर बोलते कि नहीं हम नहीं देंगे। उनका बकायदे हमने वो कॉल रिकॉर्डिंग भी हम आपको सर मतलब वो दिए, हम कॉल रिकॉर्डिंग भी दिए, वॉइस रिकॉर्डिंग भी दिए, लेकिन फिर भी वो डीलर कहता है कि हम नहीं देंगे। इसके अलावा मैंने दूसरे डीलर से भी संपर्क किया, उनका भी ये सर कहना है, इसमें अस्पष्ट बात है मैडम। ये क्या है? तो फिर ये वन नेशन वन राशन कार्ड का क्या है? ये सर मैं अप्रैल 2022 से परेशान हूँ, अभी सर आपके भी मतलब आयोग में भी वो पत्र दिए हैं सर, वो कॉपी तीन लीटर आयोग में भी गया हुआ ये सर, वो लेटर दिया हुआ। संजय कुमार साहू संजय कुमार साहू, वो सर मैंने यहाँ ठीक नहीं नहीं ठीक है सर, सर हम लोगों ने 15/6 को सर DSO सर से एक मांगा है सर, जो ममता मांगा है जांच करते हैं किस कारण इसकी सर। आप लोग ट्रैकिंग नहीं करते हैं क्या कि DSO को चिट्ठी भेजते हैं, चिट्ठी उस पर क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई? करते हैं सर, लेकिन सर ये मामला जून से ही रह गया है सर। सर मेरा जहाँ तक इनको मैंने एक बार पर्सनली हेल्प किया था, और फिर बोलते हो कि किसी डीलर को जी पर्सनली कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है,
ये शब्द आपका बिल्कुल आपत्तिजनक है सर। पर्सनली क्या होता है, मतलब हम लोग आप लोग क्या है? हम लोग एक दायित्व का निर्वहन करने बैठे हैं ना, किसी को पर्सनली मदद नहीं कर रहे, ये हमारा ऑब्लिगेशन है, वी आर ऑब्लाइज टू हेल्प द पीपल। तो ये आपको DGRO ने भी भेजा, और दूसरी चीज ये बताइए कि ये जो वन कार्ड वन नेशन की जो पूरी कंसेप्ट है, ये तो यहां दम तोड़ रहा है ना। एक सेकेंड, तो ये अगर अप्लाई करना पड़ेगा तो फिर वन कार्ड वन नेशन का क्या औचित्य क्या हुआ? अप्लाई करने का मतलब इनका कहना है सर, रिटर्न एप्लीकेशन इनको इनके द्वारा दिया गया था। मैं अपने स्तर से हमने भी साहब हम कुछ और कह रहे हैं मेरे, हम अगर एक सेकंड के लिए ये केस को भूल जाइए, हम इस केस स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि आपको केंद्र से भी चिट्ठी आई थी, मुझे पता है कि इससे पहले जो सचिव थी उन्होंने भी कई अवसर पर कहा कि वन कार्ड वन नेशन का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए, किया जा रहा है। वन कार्ड वन नेशन क्या कहता है? वो तो यही कहता है ना कि अगर आधार से सीड है तो कोई भी लाभुक किसी भी राशन दुकान से राशन ले सकता है और उसकी सूचना वो संबंधित MO को देगा, यही प्रावधान है ना। तो ऐसी प्रावधान में फिर इनको आवेदन देने, आयोग आने, इन सारी चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये तो चलिए एक केस के माध्यम से हम लोग विषय की गंभीरता को समझ पाए हैं। इसका मतलब तो वन कार्ड वन नेशन तो कंप्लीटली फेल है झारखंड में। सर ये थोड़ा मतलब अफसोस की बात है कि हम लोग इसमें इसको टैकल नहीं कर पाए, लेकिन मुझे सूचना है कि काफी लोग वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत में लाभ ले रहे हैं सर इस। हाँ तो ये मतलब हम लोग के लिए सॉरी फिगर है, मेरे लिए सॉरी फिगर है कि हमने इसको मतलब संजीदगी से नहीं लिया, नहीं तो मेरा क्लियर कट आदेश है कि अगर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत डीलर कोई डिनाई करता है तो उसको लाइसेंस इमीडिएटली सस्पेंड करने का प्रावधान है सर। देखिए DSO साहब, आपने ये बात कही कि और लोग ले रहे हैं, झारखंड में कुल कितने लोगों के पास राशन कार्ड है, कुल संख्या कितनी है? सर 5 लाख के लगभग में। 5 लाख के लगभग, मतलब रांची में जी जी 5 लाख राशन ले रहे हैं, 5 लाख में से अगर एक व्यक्ति की भी भूख से मौत हो जाए तो क्या हम लोग मुंह दिखाने के लायक बचेंगे? नहीं सर। तो अगर एक व्यक्ति भी इस योजना से वंचित है, इसका मतलब ये हमारी कमी है ना। डेफिनेटली। और आपके हस्तक्षेप के बाद, DGRO के हस्तक्षेप के बाद, आयोग के हस्तक्षेप के बाद भी ये भटक रहे हैं, इससे ज्यादा दुखद क्या है? ये तो तत्काल इनका काम हो जाना चाहिए। और ये तो 1/12/22 को आयोग ने DGRO को लिखा है, और आपने कब लिखा है DSO को? 15/6/23 को लिखा गया है। ये बताइए 4 महीने हो गए, ये क्या इंप्रेशन ये प्रशासन के प्रति बनाएंगे, सरकार के प्रति बनाएंगे, ये क्या अवधारणा बनाएंगे? ये इनका 3 दिन के अंदर, और ये चीज आप प्रचार प्रसार रांची जिले में कीजिए, इसका मतलब वन कार्ड वन राशन कार्ड के बारे में हम डीलर की गलती इसलिए नहीं मान रहे हैं कि हो सकता है डीलर को ये पता ना हो, डीलर को ये दुविधा हो कि अगर हम राशन दे देंगे तो इनका राशन हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रचार प्रसार की कमी के चलते लोगों में दुविधा है, जो हम इनके केस से समझ पा रहे हैं। तो ये प्रचार प्रसार आप अपने स्तर से करवाइए, और डीलरों को ये बताइए कि अगर वो राशन देते हैं तो फिर उनको कहां से मिलेगा। एक पूरी प्रक्रिया बनी हुई है, SOP बनी हुई है ना उसकी, तो वो SOP जब बनी हुई है तो इसका मतलब डीलर नहीं जानता है। डीलर क्यों मना कर रहा है? वो तो इसलिए बना कर रहा होगा ना, उसको SOP का पता नहीं। आप 3 दिन के अंदर इनके आपके जो भी पत्र भेजा गया है समाधान करके, आपका पता है इसमें? हाँ सर, सारा कुछ है। ठीक है आपको। और सर यहाँ तक जैसे मैंने, डीलर ये कहते हैं कि तुम शिकायत मत करो, ऊपर तक शिकायत करते हो, PMO में शिकायत करते हो। अरे सर ऐसा है, तिल का ताड़ मत बनाइए, समस्या का समाधान कीजिए। खुशी की बात है कि आप समस्या लेके आए, तो बृहत्तर समाधान की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नहीं वो सर, डीलर आप बधाई के पात्र हैं कि आपने
बात रखी, डीलर क्या कहता है क्या नहीं कहता है उसमें पढ़ने से क्या फायदा है? पढ़ने ही सर। अब डीलर भी गलत कर रहा है, हम दावे से इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है डीलर को एसओपी नहीं पता हो, उसको नहीं बताया गया हो। लगभग सर हम इधर 6 महीना से हमको राशन नहीं, जब रांची जिला से राशन मिल ही नहीं रहा है, मतलब ये सर। आपने कब अप्लाई किया है? ये तो सर हमारा आवेदन डीएसओ कार्यालय में 25 मई 2022 को दिया था हमने। ठीक है, ये जेवल ऑर्डर लिखो। लिखो शिकायतकर्ता संजय कुमार साहू जन सुनवाई में उपस्थित होकर कह रहे हैं कि वो हजारीबाग के निवासी हैं और उनका राशन कार्ड आधार से लिंक है, वो वन कार्ड वन नेशन योजना के तहत रांची से रांची के डीलर से राशन का उठाव करना चाह रहे थे लेकिन डीलर ने राशन देने से मना कर दिया। तत्पश्चात शिकायतकर्ता ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित आयोग को भी शिकायत दर्ज कराई। आयोग में दर्ज कराई गई शिकायत दिनांक 1/12/22 को सदस्य सचिव आयोग द्वारा अपर समर्थता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को भेजा गया। जन सुनवाई में उपस्थित जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का कहना है कि उन्होंने कब भेजा आप डीएसओ को? 15/6/23 को डीएसओ को आवेदन अग्रसित करते हुए समाधान के लिए लिखा। बावजूद इसके शिकायतकर्ता की शिकायत का निराकरण नहीं किया गया है, जैसा शिकायतकर्ता का कहना है। आयोग ये मानता है कि ऐसी परिस्थिति ये प्रमाणित कर रहा है कि वन कार्ड वन नेशन योजना के तहत जो लाभ लाभुकों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है और इसके लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी दोषी हैं। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वो पूरे जिले में डीलर सभी डीलरों को वन कार्ड वन नेशन योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थिति का निर्माण ना हो। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी की लापरवाही का खामियाजा उपभोक्ता लाभुक को भुगतने नहीं दे सकता। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि लाभुक संजय कुमार साहू द्वारा जिस दिन पहला आवेदन दिया गया उस दिन से अब तक मुआवजा सहित उन्हें राशन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें और ऐसा कर दिए जाने का प्रमाण 7 दिनों के अंदर आयोग को प्रेषित करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी आयोग के आज के आदेश के अनुपालन में यदि विफल रहे तो आयोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उनके विरुद्ध न्यायसंगत कार्रवाई करने को बाध्य होगा। इस वाद को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए 31/10/23 सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाती है। ठीक है, सर
राशन कार्ड में नाम ऐड करवाना है जी। ऑनलाइन 2020 में करवाए हैं। ये ले लो, DSO साहब को दे दो। ठीक है, जो होगा देखिए, नाम तत्काल नहीं जुड़ सकता है, उसका एक नियम है, वो तत्काल ये राशन कार्ड में जुड़वाना या हटाना की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन करके ही कार्रवाई की जा सकती है। वो आप दे दीजिए, DSO साहब देख लेंगे, जो संभव होगा जोड़ना संभव होगा, वैकेंसी होगी, प्रक्रिया पूरी करके वो कर देंगे, तत्काल हो जाएगा, ये आश्वासन हम नहीं दे सकते। सर नया राशन कार्ड अप्लाई किए हैं, अभी तक बना नहीं है सर। मैंने पहले ही कहा नहीं बना है, तो उसकी एक प्रक्रिया है, ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं आप? जी सर, कर दिए हैं, तो जो लोगों ने आपसे पहले अप्लाई किया है, पहले प्रायोरिटी उनको मिलेगी, उनका बन जाने के बाद आपका नंबर आएगा, तब आपका बनेगा। आप संबंधित कागज DSO को दे दीजिए, ये जो कहाँ अटका है, किस परिस्थिति में है, ये आपको अवगत करा देंगे, वो संबंधित कागज आप DSO को दे दीजिए। ठीक है, आइए, और जिनका हो जाए वो चले जाइए। आपका हो गया ना? नहीं सर, अभी। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। सर नहीं, बताइए ना, पहले बताइए उसके बाद दीजिएगा। तो आवेदन आवेदन दिए हैं सर, इसमें पढ़ के बता देते हैं। दीजिए, हम पढ़ लेंगे। जी धन्यवाद। अप्लाई किए हैं ऑनलाइन? जी हाँ सर, उसी में है पेपर सर, और डॉक्यूमेंट पूरा ये है, इलाज वाला भी। ठीक, अप्लाई कर दिए हैं सर। ठीक है, ये देखिए, देख लेते हैं। देखिए, अप्लाई करने का एक नियम है, प्रक्रिया है जी, उसमें DSO भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आयोग भी कुछ नहीं कर सकता है, विभाग के अपने नियम हैं जी सर। उस नियम के तहत जब बनना होगा, जब वैकेंसी आएगी तब बनेगा, कोई आपको समय निर्धारित नहीं की जा सकती है। दूसरी चीज कि आपको अगर इलाज संबंधित समस्या है, तो सिविल सर्जन यहाँ बैठे हैं, उनसे भी संपर्क कर लीजिए, वहाँ पर भी मेडिकल की राज्य सरकार ने कोई अलग से प्रावधान किया हुआ है इलाज के लिए, वो आपको वो भी मदद कर सकते हैं। राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया अपनी जगह है, आपको इलाज संबंधित सुविधा के लिए सरकार ने और कई निर्णय लिए हैं, आप CS से संपर्क कर लीजिए, वो आपको जो सहयोग कर सकते हैं करेंगे। CS साहब हैं जी, मेरा नाम है, ये देख लीजिए DSO साहब, ये देखिए, जनार्दन प्रसाद नाम है सर, और पत्नी का नाम प्रमिला देवी है, उन्हीं का इलाज चल रहा है। आप मिल लीजिएगा सिविल सर्जन साहब से, मिल लीजिएगा। जी हाँ, जी सर जी, मैं नया अप्लाई किया हूँ सर जी। राशन कार्ड जुड़ने में प्रक्रिया आयोग इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से ही बन पाएगा। राशन कार्ड बनाने वाले अगर कोई बाहर में है, तो उन सबसे आवेदन ले लो, उनकी तत्काल समाधान नहीं संभव है। यहाँ कोई लाभुक बैठे हैं, कोई शिकायत करता है? अच्छा, वो सब डीलर भेजा होगा। ये कौन से डीलर ने भेजा है? ये सब बरियातू डीलर ने भेजा है। क्यों इसने, क्यों डीलर ने क्यों लोगों को भेजा है? डीलर को तो भेजा नहीं चाहिए सर, हम लोगों ने DSO के माध्यम से सूचना पर नहीं, DSO अगर डीलर ढंग से बांट रहा है, तो उसको लोगों को भेजने की क्या हो सकता है? क्यों बेचारे इन लोगों को परेशान कर दिया कि चले जाओ जाके मेरा गुणगान कर देना? ऐसे डीलर को समझाइए कि क्यों अननेसेसरी, इसका मतलब वो कोई गड़बड़ी कर रहा होगा, तब ना वो अपने उपचार पहले कर रहा है, ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, वो प्रिकॉशन ले रहा है।
जी हेलो ऑर्डर लिखो, देख लिया आपने ये शिकायत, ऑर्डर लिखो व्हाट्सएप द्वारा, अध्यक्ष को लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से शिकायतकर्ता पूजा कुमारी सोनी ने अवगत कराया है कि जन वितरण प्रणाली दुकानदार गणपति चंद्रगुप्त डीलर लाइसेंस नंबर 092021 वार्ड नंबर 30 सुखदेव नगर ने उन्हें राशन कम दिया और विरोध करने पर उनके साथ हाथापाई भी की गई। शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन की एक प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए आयोग ये निर्देश देता है कि पूरे मामले की जांच कर आयोग को अपना जांच प्रतिवेदन 7 दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं और यदि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो ऐसे स्थिति में डीलर के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए ऐसी नज़ीर पेश करें ताकि कोई दूसरा जन वितरण प्रणाली का दुकानदार किसी लाभुक के साथ ऐसा व्यवहार ना कर पाए। इस बात को आयोग में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 31/10/23 निर्धारित की जाती है जो आयोग के कार्यालय में होगी। ये जेवल ये फाइल में लगा लेना है इसको, ये तो जेवल हो गया। अब मैडम हाँ जी बताइए। मेरा ऑनलाइन किया हुआ है लेकिन नाम नहीं चल रहा राशन का, तो टाइम लगेगा उसकी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। और आप डीएसओ को दे दीजिए सारा, वो देख लेंगे कहाँ संभव है, क्या स्थिति में है। ठीक है, और कोई शिकायत नहीं है ना? वो अब देख लेंगे, वो चूंकि उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक प्रावधान है, अब कहाँ लटका हुआ है मामला वो डीएसओ साहब देखकर, अगर इनकी गलती से हो रहा होगा तो गलती को सुधार करके जल्दी करवा देंगे, अगर इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा तो ये अवगत करा देंगे कि और कितना समय लगेगा। ठीक है ना, हो गया क्या? नहीं अभी वाइट नहीं, सुनवाई चल रही है यार, मीडिया से बात करने के लिए थोड़ी सुनवाई कर रहे हैं कि हम सुनवाई रोक के मीडिया से बात कर लें। डीएसडब्ल्यू वो मैडम है, आप से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ नहीं मिल पाने के संबंध में आपको जो आयोग से सूची दी गई है उसमें क्या अभी उनको मिला, क्योंकि ये 2022 का मामला है। ऑन कर लीजिए। रांची को नहीं मिला था, कल मिला है मुझे, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया है, लेकिन कल मिला है, अब हम लोग उसको स्पीड अप कर रहे हैं, जितना पेंडिंग मामला है सबको मिल जाएगा, तो 7 दिनों के अंदर आप उसे दिलवा करके और आयोग को उसकी कॉपी भेजेंगे। दूसरा मैडम, ये जो आपने बताया कि लॉगिन आईडी नहीं मिला है, ये आयोग को आप लिख के दीजिए, इस आशय की जानकारी लिख के दीजिए ताकि विभाग से विलम्ब से मिला ना, तो इस आशय की जानकारी आप जब तक आयोग को नहीं देंगी तो हम विभाग से पत्राचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको विलम्ब से मिला तो आपकी गलती है नहीं,
विभाग के स्तर से गलती हुई है तो आयोग विभाग को लिखेगा कि इस स्तर से विलंब होने से लाभुकों को दिक्कत आ रही है। तो इस आशय की लिखित सूचना आप आयोग को दे दीजिए कि हमको लॉगिन आईडी विलंब से मिला, इसलिए लाभुकों को हम लाभ दे पाने में समय पर संभव नहीं हो पाया। तो ये इस आशय का एक पत्र आप आयोग को भी भेज दीजिए। आप लिस्ट जो आयोग से मिला आपके पास है, आप उसको निकालिए। व्हाट्सएप के द्वारा जो शिकायतें आई हैं आप लिस्ट निकालिए पहले, वो नीचे वाला व्हाट्सएप से जो आए हुए मामले हैं। इसमें तो नाम जोड़ने नाम हटाने से रिलेटेड जो है उस पर मैं नहीं बात करूंगी। 15 नंबर में है राशन कम मिलने के संबंध में, और 16 में भी है राशन नहीं मिलने के संबंध में। आप वो दोनों एप्लीकेशन निकालिए, 15 और 16, 15 नंबर और 16 नंबर निकालिए। आप 15 नंबर पहले निकालिए। निकाल लिए। इसमें वर्षों से राशन में घोटाला करने की शिकायतें हैं और प्रत्येक परिवार से 3 केजी राशन की कटौती की जा रही है। ये भी 2022 का मामला है। इस पर आप क्या किए? ऐसा कीजिए ना, ये जितने भी मामले हैं ना सब पे 7 दिन में रिपोर्ट मांग लीजिए ना, चेक निर्भर करके उठा के इसकी कॉपी इनके पास है, जितने हैं उसके डाटा आपके पास है जी, सब पे 7 दिन में। अच्छा, आयोग के द्वारा आपको व्हाट्सएप से जो शिकायतें आई हैं 39 केसेस हैं, तो आप सभी का रिपोर्ट 7 दिन के अंदर आयोग को भेजें। सारे डीएसओ से ही संबंधित है जी, डीएसओ से है और इसमें डीएसडब्ल्यू मैडम से भी है। डीएसडब्ल्यू का जो है वो डीएसडब्ल्यू को दे दीजिए, और जो ये पूरी कॉपी दी गई है आप उसमें जो आपसे रिलेटेड है आप उसको लेकर के आप भी 7 दिनों के अंदर कितने ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे आप टिक लगाइए ना, जो यहीं करके फिर बाद में बोलेंगे कि हमको मिला ही नहीं। सर ये 2 नंबर उनको मार्क कराते जाइए, दो नंबर टिक कीजिए। ये 30 31 नहीं 30 है, 15 नंबर 30 30 है, 31 नहीं है, 31 तो अंत्योदय अन्य योजना से संबंधित है। और अन्य माध्यम से भी कुछ केसेस हैं, उसमें आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने का भी शिकायत है। अच्छा, ये भी है आपको जो अन्य माध्यम से जो शिकायतें प्राप्त हुई है आयोग को, तो उसमें आप देखिए 3 नंबर पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ नहीं मिलने से संबंधित है, और आपको सुशीला केरकट्टा ग्राम पतगाई पोस्ट गागी पंचायत बारू प्रखंड काके, इसमें है 2 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने से संबंधित है। और दूसरा है श्रीमती सुधा मिंज, वो भी वहीं का मामला है, वो भी 2 वर्षों से आंगन केंद्र बंद रहने से संबंधित। 3 आंगनबाड़ी केंद्र जो है कांके का ही है, 10 11 12 सीरियल नंबर। कांके की CDPO आई है, इस संबंध में इनसे रिपोर्ट लेकर के भी भेजा गया है आयोग को, तो अभी आप बताइए चला हुआ है।
सर वो पूर्व में जो सेविका थी उसकी जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद सर वहाँ पे बगल की सेविका को बाढ़ू की सेविका को चार्ज दिया गया था और उसमें सहायिका ऑलरेडी पहले से थी तो यही चार्ज यही चल रहा था। बीच में सर हड़ताल के समय मतलब 3 महीना मैं बता रही हूँ सर जुलाई 22 और जून 23 में हड़ताल हुई थी सेविका सहायिका की। उस समय राशन बंद था लेकिन THR का जो पैकेट आता था उस समय वितरण हुआ था और सुपरवाइज़र भी जब भी विजिट की हैं बच्चे कम रहे हैं सर लेकिन कि आंगनबाड़ी खुला हुआ मिला है। आप जो बता रहे हैं इसका प्रतिवेदन आप आयोग को भेजिए। जी सर जी कब भेजिए? DSW मैडम के माध्यम से है सर। हाल फिलहाल में या थोड़े पहले? पहले भी भेजा गया था और अभी एक स्पष्ट प्रति फिर भेजा गया है। कल भी मेल किए हैं उसके पहले भी भेजा गया है सर। नहीं ये कल भेजे हैं क्योंकि स्पष्ट प्रति की फिर से मांग की गई थी तो कल भेजे हैं। पहले भी भेजा हुआ है। कोई बात नहीं ऐसा है। ये जो प्रतिवेदन इनका है ये दोबारा जो स्पष्ट भेजी हैं वो प्रतिवेदन आयोग में कहिए कि शिकायतकर्ता तीनों शिकायतकर्ताओं को उस प्रतिवेदन के प्रति भेजकर उनसे पक्ष मांग लीजिए कि इन्होंने जो तथ्य रखा है उससे वो सहमत हैं या नहीं हैं या इनके तथ्य में कोई त्रुटि है तो वो शिकायतकर्ता ही बता सकता है कि इन्होंने जाँच प्रतिवेदन सही भेजा है या नहीं भेजा है। इनकी प्रति शिकायतकर्ता को भेज दीजिए कि ये जांच प्रतिवेदन आया है इस जांच प्रतिवेदन पे आपको कोई पक्ष रखना हो तो वो लिखित रख सकती हैं या भेज सकते हैं। इनकी प्रति ट्रेस करा लीजिए या उसकी कॉपी है तो आप जो आयोग को आपने भेजा है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आयोग को अगर आपने मेल किया है तो जेवल देखो इन्होंने कौन मेल किया है वो निकाल कर केस लिख लो या नहीं तो ट्रेस करके आप दोबारा वो है क्या तीनों आंगनबाड़ी केंद्र क्या रिपोर्ट है तो यहाँ पे तीन नहीं अच्छा अलग अलग लोगों ने कंप्लेन किया है। सुशीला करकेट्टा सुधा मींज और रानी देवी। अच्छा ठीक तो ये जो इनका प्रतिवेदन है ना इन्होंने जो भेजा है उसकी मूल प्रति आयोग में रख लो इसकी छाया प्रति करा के सारे दस्तावेज शिकायतकर्ता तीनों को भेज दो ताकि वो जांच कर लेंगे पड़ताल कर लेंगे कि इन्होंने जो बात रखी है वो सच है या अगर सच नहीं है तो वो अपना पक्ष लिख के भेज देंगे। ठीक है ये कॉपी रख लीजिए। और बाकी जो भी आपको आयोग के द्वारा जो उपलब्ध कराई गई हैं शिकायत की कॉपी आप लोग 7 दिनों के अंदर DSO साहब आप भी आयोग को DSW का कौन कौन सा मामला है वो करवा दिया सर बोल दिया सर। हाँ लिस्ट लेके उसमें उसके डिटेल्स भी उसमें होंगे अंदर वो भी आप ले लीजिएगा। हाँ ठीक है सर आप समझ ठीक है। क्या आप लोग शिकायत करता है क्या है आप लोग? मैंने विभाग के कर्मचारी हैं आप लोग। ठीक अच्छा ये आज जो हम लोग की मुखिया संवाद में जो चर्चा होनी है उससे पहले कुछ असहज स्थिति ना आए इसलिए कुछ चीज़ें हम जानना चाहते हैं आपसे। पहले DSO साहब आपसे शुरू करते हैं। पहली चीज़ की सतर्कता समिति या निगरानी समिति जिसको कहते हैं क्या उसका गठन रांची जिले के सभी पंचायत में हो चुका है? सभी पंचायतों में नहीं हुआ। ऑन कर लीजिए। सभी पंचायतों में नहीं हुआ है सर। हालांकि निर्देश दिया जा चुका था उपायुक्त के स्तर से भी लेकिन 2-3 प्रखंड ही है जहां से हम लोग को सूचना मिली है कि वहां निगरानी और अनुसरण समिति की सतर्कता समिति का गठित हो गया है। तो ये क्यों नहीं गठन हो पाया है सर? ये प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है और गठित करने के लिए लेकिन गठित नहीं हुआ है। चुनाव हुए कितने दिन हो गए? मुखिया कितने दिनों से
मुखियों तकरीबन 2 साल तो हो गए हैं। ये एक उदाहरण देके हम आपको समझाएं सर, आपकी पोस्टिंग कर दी गई, आप चार्ज ही नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपके साथ क्या होगा? जहां आप थे वहां से भी आपको रिलीव कर दिया गया और यहां चार्ज नहीं दिया जा रहा है। ये तो पूरी एनएफएससी की आप लोगों ने मतलब मूल आत्मा ही शरीर से निकाल दी। अगर ये पूरी जो आज संवाद हो रहा है वो तो इसी के लिए हो रहा है कि आप सतर्कता समिति के माध्यम से क्या कर सकते हैं, लेकिन जब गठन ही नहीं हुआ है तो वो क्या करेंगे? समिति का गठन होने की सूचना हम लोग जो मांगे थे, और चूंकि उस गठित जो गठन होगा उसमें डीसी सर का अप्रूवल किया जाना है, लेकिन इसकी सूचना नहीं है। लेकिन निगरानी और अनुसरण समिति जो सतर्कता समिति है वो काम कर रही है कई जगहों में। अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि मुखिया संवाद के दौरान पंचायत के सभी मुखिया को ये बताएंगे सतर्कता समिति क्या है सर, उसकी जिम्मेवारियां क्या हैं, उसका निर्वहन कैसे करना है, और नहीं हुआ है तो 7 दिन के अंदर अगर आपको लग रहा है कि डीसी साहब की वजह से विलंब हो रहा है तो वो आप स्पष्ट रूप से कहिए, आयोग डीसी को चिट्ठी लिखेगा। ये रीढ़ है, सतर्कता समिति पूरी एनएफएसए की रीढ़ है, यही आत्मा भी आप इसको कह सकते हैं, और यही नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर तो पूरी एनएफएसए खत्म हो जाएगी, ये तो इतना तो आप भी समझते होंगे। तो ये आप 7 दिन के अंदर जहां नहीं गठित हुआ है वहां गठित करके आप भेजिए। अगर गठन करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आयोग को बताइए, आयोग हस्तक्षेप करेगा। जहां लिखना है डीसी को लिखना है, जिसको लिखना है उसको लिखकर ये तत्काल एक्सक्यूट कराना है, ठीक है ना सर? दूसरी चीज ये सुनिश्चित कराइए, जो मुखिया संवाद में भी ये बात कही जाएगी, इसलिए आप लोगों को पहले अलर्ट कर दिया जा रहा है, ताकि इस चीज की को दुरुस्त करने के उपाय अभी से शुरू कर दीजिए। कि ये सुनिश्चित कराइए कि हर राशन डीलर के दुकान के बाहर जो आपके विभागीय आदेश भी है कि सूचना पर होना चाहिए, उसमें सारे विवरण अंकित होनी चाहिए। ये आप अपने जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं। दूसरा, आप प्रचार प्रसार कराइए जिसमें सतर्कता समिति, राशन डीलर के यहाँ सूचना पट लिखा होना चाहिए, वन कार्ड वन नेशन के क्या एसओपी हैं उसकी आप बैठक बुला के डीलर को ब्रीफ कीजिए। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो कम शिकायतें आएंगी। और दूसरा, डीजीआरओ साहब, आप अपने स्तर से जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करना चाहते हैं करके डीजीआरओ का क्या नंबर है, जैसे आयोग ने अपना व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, वो शिकायत कहाँ करें? जैसे सूचना के अधिकार में ये अनिवार्य रूप से कहा गया है एक्ट में कि हर कार्यालय के बाहर सूचना अधिकारी पीआईओ का नाम अंकित रहता है, प्रथम अपीलीय पदाधिकारी का नाम अंकित रहता है, लेकिन वो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के केस में वो नहीं देखा जा रहा है। मेरा जो इतने जिलों के भ्रमण का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि किसी भी कार्यालय में एसी के कक्ष के बाहर जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी नहीं लिखा होता है, जो लिखा होना चाहिए, तभी लोगों को पता चलेगा कि आप जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं। और इसीलिए होता क्या है कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो बीएसओ को लिख दिया, डीएसओ को लिख दिया, आवेदन लिख देना, वो एनएफएसए की शिकायत ट्रीट नहीं की जा सकती है जब तक वो आपके यहाँ विधिवत रूप से शिकायत दर्ज नहीं कराएगा। तो लोग नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को शिकायतें नहीं हैं, लोगों को शिकायत दर्ज कराने की जानकारी नहीं है, तो वो आप ये सुनिश्चित कर लीजिए। डीएसओ मैडम, ये आप भी सुनिश्चित कर लीजिए कि जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसके बाहर
जैसे वॉल राइटिंग तो हमने कई जगह देखा है कि आंगनबाड़ी के केंद्रों पर वॉल राइटिंग होती हैं, योजनाओं की जानकारी होती हैं। अगर संभव हो तो होर्डिंग के माध्यम से और जो भी आपको उचित माध्यम लगता है जिससे लोगों तक पहुंचा जा सके, उसके माध्यम से लोगों को कितना THR मिलना है, कितनी मात्रा होती है, किस कलर का किस पर्पज़ के लिए होता है, आपके यहाँ कलरिंग की गई है ना पैकेट की, तो वो क्या है, किस लिए है, ताकि अगर आंगनवाड़ी केंद्रों में वो नहीं मिलता है तो दिक्कत क्या होती है कि अगर नहीं भी मिल रहा है तो लोग शिकायत इसलिए नहीं करते कि उसको पता ही नहीं है कि कितना मिलना था, कब मिलना था, क्या मिलना था। तो वो जितना प्रचार प्रसार करेंगे तो उतना लोग भी अधिकार, इसलिए हम कहते हैं कि अधिकार जानेंगे तब अधिकार मांगेंगे, तो पहले उनको अधिकार जनाया जाए कि भाई ये आपके अधिकार हैं, तब उनको नहीं मिलेगा तो वो आप तक आएंगे। तो आप किस माध्यम से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आपका विशेषाधिकार है, आपको जो उपयुक्त लगता है वो माध्यम। नहीं, वॉल लाइटिंग मैंने देखा है, कई जगह देखा है, लेकिन होर्डिंग्स हो, वॉल लाइटिंग क्या होता है ना कि वॉल लाइटिंग्स तो उसी आंगनबाड़ी केंद्र को ही पहुंचेगा, जो वहां जाता है वही जान पाएगा। होर्डिंग्स से क्या है ना कि जो सामान्य महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र इसलिए नहीं जाते, उनको लगता है वहां कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो जाते ही नहीं है। अगर उनको लिखा रहेगा नहीं यहाँ मिलेगा तब वो जाएंगे ना। अभी तो जो सेलेक्टिव जाती हैं उनको पता है कि हाँ ये मिलना है, तो ये जितना प्रचार प्रसार होगा लोगों को जानकारी मिलेगी उतना। दूसरा ये बताइए कि जो कुपोषण उपचार केंद्र हैं उसमें आप लोगों के आंगनबाड़ी केंद्र की कितनी भूमिका रहती है? उनके द्वारा जो उनके एरिया में कुपोषित बच्चे हैं उनको जो पहचान की जाती है फिर उनको MTC भेजा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि सेविका सहायिका भेजती हैं लेकिन जो भी उनको इंसेंटिव मिलता है वो ANM को मिलता है, इनको नहीं मिलता है। तो भेजती हैं फिर भी ये लोग मना नहीं करती हैं, लेकिन इसको जो लिखो ये विभाग से लिखा जाना चाहिए, ये इनको सेविका को आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को इंटर्नशिप नहीं मिलता है, ANM को मिलता है, इस पे लिखो विभाग से। इसके चलते थोड़ा सा उनका मनोबल कम रहता है कि हम लोग भेजते हैं, मेहनत करते हैं, हम लोग को इंसेंटिव नहीं मिलता है, तो लेकिन भेजती हैं सर वो लोग, स्पेशली वही लोग भेजती हैं, लेकिन उनका नाम नहीं रहता है लेकिन भेजती वही लोग हैं सेविका सहायिका, मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने चिल्ड्रेन हैं। अच्छा सीए साहब, ये बताइए कि जो आपके यहाँ कुपोषण उपचार केंद्र, हालांकि रांची की बहुत अच्छी स्थिति है, हम जाके देख चुके हैं, यहाँ पर कितने बच्चे स्वयं आते हैं, मतलब उनके अभिभावक लेके आते हैं, कितने बच्चे संस्थागत तरीके से आते हैं, उनकी उसका परसेंटेज क्या है? सर कि हमारे यहाँ जैसे बेड ऑक्यूपेंसी रेट तो है ठीक है सर, स्टेट लेवल पर कंपेरेटिवली 77% बेड ऑक्यूपेंसी रेट है हमारे यहाँ सारे जगह पर। मांडर का MTC काफ़ी प्रसिद्ध है सर, राज्य स्तर पर भी और डोरंडा में भी है, लेकिन ANM को सर कोई इंसेंटिव तो हम लोग नहीं देते हैं सर, देते ही नहीं हैं ANM को नहीं देते हैं। तो मैडम बता, सहिया को मिलता है, मतलब मेरा हाँ, मतलब कि हेल्थ विभाग हाँ, के जो है सहिया को मिलता है सर, सहिया सैलरीड नहीं है इसलिए उसको इंसेंटिव मिलता है, और सर हमारे यहाँ सेविका और सहायिका तो वो सैलरीड हैं, सैलरीड मानदेय मिलता है, लेकिन उनको मानदेय नहीं मिलता है। उनको सर जैसे 2000 मिलता है, लेकिन वो ऑनरेरियम की तरह उनको मिलता है 2000 पर मंथ मिलता है सर, तो उनको इंसेंटिव ही मेन उनका इनकम है सर। उनका सर क्या है ना कि जैसे कि उनको जो इंसेंटिव मिलता है उसमें लिखा रहता है रिकॉर्ड बाय सहिया, तभी मिलेगा उनको, तो इनका नाम भी नहीं आता है कहीं, तो ये लोग थोड़ा होते हैं कि हम लोग भेजते हैं लेकिन हम लोग का तो नाम भी नहीं रहता है, इंसेंटिव तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये लोग काम करते हैं क्योंकि हम लोग हमेशा काम करवाते हैं। और ज़्यादातर सर केसेस जो है कि उनको भेजा ही जाता है, अपने मन से बहुत कम पेरेंट्स हैं जो बच्चों को ले जाते हैं, क्योंकि सबका है कि रोजी रोजगार है, खेती का टाइम है, तो वो लोग उतना गंभीरता से लेते नहीं हैं, लेकिन लगातार हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाता है, उनके बच्चों की स्थिति बताई जाती है और उनको भेजा जाता है। हम जो अन्य जिलों का अनुभव है उस आधार पर हम कह रहे हैं कि कई जिलों में ये बातें आई कि
बच्चे कुपोषित, उनका जो बेसिक पैरामीटर्स होता है उस हिसाब से लगता है कि ये कुपोषित है, इसको उपचार की आवश्यकता है, लेकिन परिवार नहीं चाहता है कि बच्चे कुपोषण उपचार केंद्र जाएं, क्योंकि उनको ये समस्या रहती है, कुछ वाजिब समस्या भी रहती है कि तीन बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, एक बच्चे के साथ हम रहेंगे तो अन्य बच्चों की देखभाल कौन करेगा। कई बार वो बच्चों को कुपोषण उपचार केंद्र नहीं भेजते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका मुखिया निभा सकते हैं, आपके सहिया सेविका ANM जो भी सरकारी व्यवस्था के हिस्से हैं उस पर वो हो सकता है कि मिसट्रस्ट करे, अविश्वास करे, लेकिन अगर मुखिया उस परिवार को समझाता है कि नहीं चलो तुमको तुम्हारी देखभाल पड़ोसी कर देगा, ये कर देगा, कुपोषण का उपचार कराना जरूरी है, नहीं कराने से तुमको बाद में चीज़ें दिक्कत आएंगी, तो ये हम चाहेंगे कि आज जो मुखिया लोग आएंगे उसमें DSW मैडम आप इस बात को रेखांकित करके मुखिया को ये बताइए कि कुपोषण को दूर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है, क्योंकि जो हम देखे हैं कमोबेश जब बच्चे उतने बहुत ज़्यादा कुपोषित हो जाते हैं, केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तब वो उपचार केंद्र लेके आते हैं। अगर उनको अवेयरनेस होता, अगर शुरुआती दौर में अगर उसकी ट्रीटमेंट कर ली जाती या उपचार हो जाता तो हो सकता है प्राथमिक दौर में ही वो चीज़ें खत्म हो जाती। तो ये कुपोषण के प्रति जो जागरूकता का अभाव है, मुझे लग रहा है कि जागरूकता से बहुत हद तक हम इसमें सफल हो सकते हैं, उपचार से ज़्यादा इनिशियल स्टेज में ही उसको ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। आप भी CSR इसमें कैसे DSW मैडम से सहयोग करके, आपका विभाग अगर कभी आपसे बैठक करके कैसे कोई और बेहतर रास्ता निकाला जा सकता है, जैसे कई जगह कई जिलों में CSR के माध्यम से किया जा रहा है कि मोबाइल वैन भेजकर डोर टू डोर टेस्ट बच्चों का किया जा रहा है, पंचायत में कैंप लगाया जा रहा है, तो उस तरह के अगर कोई मैकेनिज्म आप लोग भी डेवलप कर पाएँ कि ताकि इनिशियल टेस्टिंग बच्चों की हो जाए मोबाइल वैन के माध्यम से या कैंप लगाकर, जो भी माध्यम, जो भी आप लोग इतने दिनों से जिले की जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है, प्रखंड पंचायत ऐसा है जहाँ की संभावनाएं हैं बच्चे कुपोषित हो रहे हैं या उसकी आवश्यकता है, तो उस जगह पर स्पेशल कैंप लगाकर भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं। सर हम रामगढ़ में थे सिविल सर्जन, यहाँ तो हम 2 महीना पहले आए हैं, तो वहाँ इस तरह का हम लोग कैंप लगाते थे। वो वैन की जो बात आप बोले वो काफ़ी वेल इक्विप्ड वैन था और उससे टेली मेडिसिन का भी काम होता था, डॉक्टर भी उसमें रहते थे सब लोग। तो वैसा यहाँ भी प्रस्ताव, भला कि ये सर ये तो उपायुक्त महोदय के ही थ्रू होता है, चूँकि CSR का सारा फंड उपायुक्त के माध्यम से ही, अगर उनके माध्यम से सर और आपके प्रयास से हो तो अच्छा रहेगा सर रांची डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। ये देखिए सिविल सर्जन साहब, मेरा ये मानना है जी कि अच्छी सलाह कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। आप DC साहब को ये सलाह दीजिएगा तो वो मानेंगे। ठीक है सर, हम लोग DC के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है, बहुत तरह के काम है, हो सकता है कि ये आइडिया वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर इनिशिएटिव लीजिएगा, आप सलाह दीजिएगा तो हो सकता है CSR के फंड हो तो वो इनिशिएटिव लेंगे। प्रयास कीजिए, प्रयास करने से ही तो रास्ते निकलेंगे। बिल्कुल सर, करते हैं के थ्रू, तो वहाँ भी ये सब काम हो रहा है, बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और बहुत सुधार भी हुआ है, अभी स्पेशली बुड़मो में अभी चल रहा है। तो कोई इसे पल, क्योंकि देखिए हम बार बार कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि किसी को PDS दुकान में 2 किलो अनाज कम मिल गया तो उसको दिलाकर उसकी समस्या बाद में निदान किया जा सकता है, लेकिन अगर कुपोषण हमारे यहाँ से नहीं खत्म हुआ तो वर्तमान पीढ़ी नहीं आने वाली कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए हमको लग रहा है कि ये सबसे फोकस्ड एरिया हमारा होना चाहिए, इसको कैसे हम दूर करें, और मेरा यह मानना है कि जागरूकता से इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके क्योर किया जा सकता है। तो उसके लिए कैंप, जैसे आप बता रहे हैं कैंप लग रहा है, लग रहा है तो अच्छी बात है, जिन इलाकों में नहीं लग रहा है वहाँ लगाने की आवश्यकता अगर आप लोग को लगती है तो उस दिशा का उपायुक्त को अपनी आप लोग सिफारिश कीजिए, उनके साथ बैठक कीजिए, अच्छे प्रयास होंगे तो स्वाभाविक रूप से वो भी सहयोग करेंगे। सर अभी हम लोग 1 माह पूरा पोषण माह ही मनाए हैं सितंबर में,
और पूरे सभी जगह में कैंप लगा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, इवन स्कूल में भी जा कर के हमारे फंक्शनरीज द्वारा बताया जा रहा है। तो कुपोषण के प्रति लगातार हम लोग ये अभियान चला कर रहे हैं, और एक सितंबर माह तो पूरा डेडिकेटेड रहता है कि इसमें हम लोगों को कुपोषण का जो है उसके लिए हम लोग को जागरूक करना है लोगों को। पोषण माह मनाना ठीक है, तो ये टेम्पो कंटिन्यू रहे, ये है कि एक बार स्पेशल हमने लगा दिया उसके बाद फिर हम स्थिर हो गए तो फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये कंटिन्यूटी इस मैंने ये अच्छा प्रयास है, इसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे तब हमको लग रहा है कि ज़्यादा लाभ हम ले पाएंगे। हमेशा का किया जाता है सर, लेकिन एक माह को स्पेशली फोकस नहीं, वो ठीक है, इसको अगर ये कंटिन्यू और हो जाए थ्रस्ट, लेकिन टारगेट ये हो कि कुपोषण से, चूंकि हमारे राज्य जिस भारतवर्ष में जिस स्थिति में है वो हम लोग के लिए बहुत बेहद सुकून देने वाला नहीं है रिपोर्ट। हमारे यहाँ कुपोषण का एक ऐप भी बना हुआ है, जो पोषण ट्रैकर ऐप बना हुआ है, उसमें जैसे ही सेविका बच्चों का वजन करके डालती है वो तुरंत आइडेंटिफाई करता है वो ऐप ही कि ये बच्चा कुपोषित है, तो उससे आसानी होती है। फिर उसको उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो उसका काउंसलिंग है, क्या खिलाना है क्या पिलाना है, उसके पेरेंट्स को बताना है, लोकली फूड जो अवेलेबल है, तो उससे आसानी होती है थोड़ा, क्योंकि ये ऐप बनने से तो काम सेविकाओं का भी आसान हुआ है थोड़ा। ठीक है, प्रयास जो हो रहे हैं ठीक है। मेरा ये कहना है कि सरकार, देखिए हम हर जगह मुखिया संवाद में ही कहते हैं कि केंद्र हो या राज्य हो, सरकारें योजनाएं बना सकती हैं, योजना की जानकारी लोगों को रहेगी तब ना वो लोग मांगेंगे, इसलिए अधिकार जानेंगे तो अधिकार मांगेंगे। तो जो आप प्रयास कर रहे हैं, हमें करें प्रयास आप लोग कर रही हैं, लेकिन प्रयास का अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो हमको अपने आप में आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं, शिकायतें क्यों आ रही हैं। तो उसकी अगर समय समय पर आप लोग स्वयं समीक्षा करेंगे तो हमको लग रहा है आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इसमें आज मुखिया संवाद में मुखिया एक हम मानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि अगर पंचायत के हर व्यक्ति तक पहुंचना है तो हम किसी अधिकारी से ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो हर एक व्यक्ति को ट्रैक कर पाए। तो मुखिया आपके लिए एक बहुत सशक्त माध्यम हो सकता है, तो उसको विश्वास में लेके उनको जागरण, पहले जागृत उनको करें ताकि वो अपने लोगों को जागृत करें। तो इसलिए सेकेंड हाफ में आप लोग कैसे मुखिया जी लोगों का हम सहयोग ले सकते हैं NFSA को लागू करने में, उस दिशा में आप लोग अपना अपने योजनाओं को ब्रीफ करके और उसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उनका क्या सहयोग हो सकता है, ये आप लोग अपनी पक्ष रखिएगा और सारे लोग रहेंगे, ये पूर्व सूचना होगी आप लोगों के पास। चलिए अभी के लिए थैंक यू, भेजो। सरकार तरफ से कम नहीं मिलता है, बिल्कुल सरकार की तरफ से पूरा मिलता है, डीलर की ये बात नहीं सुननी है। और आप इस अवस्था में भी आए, आयोग आपका एहसान मानता है कि आप लोग शिकायत कीजिए, बताइए अगर गड़बड़ी हो रही है तो बताइए। देखिए DSO साहब, ये कौन है, कहाँ का डीलर है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, और कार्रवाई ऐसी कीजिए कि जिला का हर डीलर ये माने कि अब बक्सा नहीं जाएगा। नहीं मिलेगा, इनको मुआवजा सहित दिलवाइए, जी आओ ऑर्डर इनका, इसकी फोटोकॉपी करो और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करो इसको, और ये मुआवजा के साथ जितने दिन का इसकी जांच कीजिए, और जिनका जितने दिन का राशन इनका काटा गया है सावा का, उन्हें मुआवजा के साथ इनको उपलब्ध कराया जाएगा, और उसके बाद उनके खिलाफ भी की जाएगी, इसको सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करो, 31 तारीख को सुनवाई होगी, इसकी फोटोकॉपी रखो। ठीक है, आपको जो नहीं मिला है जितने दिन का काटा गया है आपको आपको दिया जाएगा, बिल्कुल जो काटा गया है वो आपको दिया जाएगा, और आपसे आपको पूरा राशन दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है।